नंद बाबा आए, पूतना का अंतिम संस्कार किया, पूतना के शरीर से सुगंध आती है। बाद में नाथ श्री ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ, कृगाचार्य जी ने नामकरण किया प्रभु का, कृष्ण बलराम संकर्षण ऐसे सुंदर दोनों भैयाओं के नाम हुए। बाद में कई असुरों का संहार प्रभु ने किया, नंदालय में गुटरुन चलते हैं, सुंदर लीला करते हैं। माँ से आज्ञा लेकर ठाकुर जी खेलने के लिए जाते हैं, खेल खेल में माटी खाते मुद भक्षण लीला करते हैं। ब्रज की रज ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय, ब्रज की रज, ब्रज के पर्वत श्री यमुना, ब्रज के वृक्ष, ब्रज की गैया, ये सब ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। नाथ, और ध्यान दें, एक स्त्री अपने पति की प्रसन्नता पाने के लिए उसके नित्योपयोगी उपकरणों को संभाल के रखती है, ये उनकी अटैची है, ये उनका चश्मा है, ये उनका ये उनका ये सब उनको प्रिय लगने वाली चीजें। ऐसे ही महाराज, अगर आप ठाकुर जी की प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी की लीला के जो उपकरण है उनको संभाल के रखें। ठाकुर जी की लीला का उपकरण है गैया, उसको संभाल के रखें। ठाकुर जी की लीला का उपकरण है श्री यमुना जी, उनको संभाल के रखें। ये पर्वत, उनको संभाल के रखिए। ये वृक्ष, उनको संभाल के रखिए नाथ, तब प्रभु प्रसन्न रहेंगे। नाथ करुणा निधान, हम लोगों के असावधानी से, हम लोगों की चूक से तो कहीं लीला उपकरणों का हास नहीं हो रहा। नाथ विचार करें श्री यमुना जी कैसे शुद्ध हो, इसके लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास करें। गिरिराज जी कैसे साफ रहें, पवित्रता कैसे रहे, उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करें। गिरिराज जी का पूजन जब करने जाएं तो चेष्टा पूर्वक गो माता का दुग्ध लेके जाएं गिरिराज जी को चढ़ाने के लिए, भले ही एक लोटा हो। 500 लीटर दूध की अपेक्षा, 1000 लीटर दूध की अपेक्षा एक छोटी सी लुटिया गो माता का, गोपाल की जो लाडली गो माता, उसका जो दुग्ध है वो गिरिराज जी को अत्यंत प्रिय लगेगा महाराज, ऐसी मेरी भावना है। और ये बात मैं किसी के भी कार्य को, पद्धति को चोट पहुंचाने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, ठाकुर का सुख है इसीलिए बोल रहा हूं महाराज। और मेरे ठाकुर सुख की बात कहने पर किसी को अप्रिय लगे तो मुझे क्षमा कर दें। नाथ, हजारों लीटर दूध आप लोग गिरिराज जी को अर्पण करते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं कि यह दूध कैसे बना है? आपको खाली नाथ अपना मनोरथ पूरा करवाने के लिए आप लोग दूध चढ़ाते हो, तो कम से कम गिरिराज जी के भी तो मनोरथ का ध्यान रखो कि उनको किस चीज का मनोरथ है। क्या उनको सिंथेटिक दूध का मनोरथ है? क्या उनको भैंस के दूध का मनोरथ है? क्या उनको ये अंग्रेजी दूध देने वाले पशुओं का मनोरथ है? उनको तो अपनी गौरान गाय का मनोरथ है कि कोई मेरे खिरक्की गाय का दूध लाओ, जिसको मैंने चराया है, जिनके पीछे पीछे मैं नंगे चरण में बिना पदत्राण के घूमा, उनका दूध लाओ, मुझ पर डालो, वो मुझे प्रसन्नता देगा, वो मुझे खुशी देगा। नाथ, आप विचार करिए, आप अपनी क्रियाओं से, ब्रज में आप जाते हैं खाली बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करके आ जाते, कभी क्यों नहीं सोचते ठाकुर जी ने क्या मंदिरों में लीला करी है? बोलिए, ठाकुर जी ने कहा बड़े बड़े आश्रमों में लीला करिए? ठाकुर जी ने कुंजों में लीला करिए, वनों में लीला करिए, पर्वतों पे लीला करिए, कुंडों पे लीला करिए। हम में से कितने लोग हैं जो ब्रज में जाते हैं तब कुंडों का दर्शन करते हैं, पर्वतों का दर्शन करते हैं, कुंजों का दर्शन करते हैं, वनों का दर्शन करते हैं? बताओ, खाली शहर के बड़े बड़े मंदिरों का आप दर्शन करते हैं, बड़े बड़े आश्रम होटलों में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रभु ने जहां पर लीलाएं करी है उन स्थानों का दर्शन करने के लिए हम विचार ही नहीं करते। अनेक संत वर्णन करते हैं लेकिन हम लोग उन स्थानों की तरफ कभी जाते ही नहीं।
कथा में सुनते ठाकुर ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, पर्वत के ऊपर फिसलते थे। लेकिन वो जगहें आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन जगहों को देखने को कितने लोग जाते हैं। हम में से ब्रज की यात्रा हम सैकड़ों बार की होगी, लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान की ऐसी दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करने को गए होंगे। आज वो सब लीला स्थलियों पर गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, और वो दिव्य पर्वत तो तोड़े जा रहे हैं, और किसको पीड़ा, कोई जावे ही नहीं तो पीड़ा क्या हो। इसकी अपेक्षा यदि आप लोग दर्शनों के लिए जब भी जाए, दर्शनों के लिए वहां जाए, तो अपने आप उनका संरक्षण हो जाए। आपकी श्रद्धा है वहां पर, आपकी आस्था है वहां पर, तो आप उसको प्रकट क्यों नहीं करते। मंदिरों का कभी कोई नहीं बिगाड़ कर सकता, आप जाए उनका दर्शन जरूर करें, लेकिन उन वनों का, कुंजों का, पर्वतों का विशेष दर्शन करें। महाराज असली चिन्मय स्थलियां तो वही, ठाकुर की लीला की असली साक्षी तो वही, आप उनका दर्शन करें। प्रार्थना है इस बार जाएं तो मंदिरों तो आपने सैकड़ों बार घूम लिए, इस बार ब्रज में जाएं तो कुंडों के दर्शन कीजिएगा, निकुंज कुंज वनों का दर्शन कीजिए, पर्वतों का दर्शन कीजिए। नाथ विचार प्रभु, इसलिए श्री ठाकुर जी मुदवक्षण लीला करते। ब्रज की एक एक वस्तु ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को माटी खाते हुए मनसुखा देख लेता है, माँ यशोदा के पास प्रभु की शिकायत लेकर जाता है। माँ यशोदा ठाकुर जी को डांटती है, ठाकुर जी का मुखारविंद खुलवाती है, वो उसमें माँ को सब ब्रह्मांड के सब लोगों के दर्शन हुए। बाद में ठाकुर जी अपने माया का असर दिखा के और स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करके और श्री ठाकुर जी माँ यशोदा को ऐसा भाव कर देते हैं कि माँ यशोदा भूल जाती कि मैंने इसके मुख में क्या दर्शन किया, और ठाकुर जी को अपना लाला गिन के उनके साथ उनको समझाने लगती, लाला माटी न खायो कर। ब्रज की गोपियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी कि यशोदा का जो लाला है माटी खाता, क्योंकि यशोदा बड़ी कंजूस है, अपने छोरा को माखन नहीं देती, इसीलिए छोरा माटी खाता। लाला मेरे कोई 10-5 बेटा तो है नहीं, ले दे के तू एक ही बेटा, तू ही ऐसो करेगा नाथ। इसके बाद माँ यशोदा ठाकुर जी को दंड देने के लिए उखल से बांध देती है। ठाकुर जी उखल से बंधे बंधे आते हैं, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करते हैं, नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के बेटा, इनका कल्याण किया प्रभु। बाद में महाराज श्री ठाकुर जी की वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। वृंदावन में ठाकुर जी रस बरसा रहे हैं, नाथ ग्वालों के साथ खेल खेलते हैं। नाथ एक बार श्री ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों को एकत्रित किया और सब ग्वाल वालों को एकत्रित करके श्री ठाकुर जी कहते, भैया तुम लोग सब ब्रज में रहते हो, इतने दुबले पतले क्यों हो। ग्वाल वाल कहते कि दुबले ना होंगे तो क्या होगा। अरे ये जो हमारी मैया है ये हमको माखन मिश्री नहीं देती है, क्या करें। जो माखन मिश्री होता है उसको या तो बेच आती है, क्या करें। नाथ श्री ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ब्रज की गैया का जो गव्य है वो तो ब्रज में ही रहना चाहिए। इसलिए श्री ठाकुर जी ग्वाल वालों को संग लेकर माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर। कैसे करी है लीला, पता लगाते हैं किस गोपी के घर मक्खन तैयार है, और ग्वाले बड़े चतुर होते हैं, मालूमात पड़ जाती है उनको किस गोपी के यहाँ ताजा मक्खन है। उसी गोपी के घर झुंड के झुंड जाते हैं उखल पर चढ़ करके, और माटुकी में से माखन निकाल लेते हैं। कभी एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़कर माखन निकाल लेते हैं और फटाफट खा जाते हैं। खा पी कर मटकी एकदम साफ करके धर जाते हैं। रोज ऐसी उदम करने लगे, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, तो गोपी बड़ी चिंतित हो गई, क्या करें। गोपियों ने प्रयोग किया, मटकी के ऊपर परात रख दी, परात में जल भर दिया ताकि जैसे ही चोर आवे पानी ऊपर गिर जाए, चोर भाग जाए। लेकिन ये तो महान चोर हैं भाई, चोरा ग्रगण्यम। क्या करते हैं, एक बांस की खोखला बांस लाते हैं और खोखला बांस लाकर और उस मटकी के ऊपर रखी हुई परात में डालकर गुड़ 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 करके सारा पानी, परात ही खाली और ये भी खाली,
ग्वाल बाल कहते लाला ये गोपी ने क्या किया, बोले ये भोजन से पहले आचमन की व्यवस्था करी, कहीं पकड़ में नहीं आते। गोपियां खूब यत्न करती हैं लेकिन नहीं। अब तो महाराज उन गोपियों में एक प्रभावती नाम की सखी थी। उस प्रभावती सखी ने, उस प्रभावती गोपी ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, मैं ही उसको पकड़ूंगी। और वो प्रभावती सखी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, नाथ बालकृष्ण लाल को पकड़ने के लिए यत्न करती है। और क्या यत्न करती है, श्री ठाकुर जी को पहले तो अपने घर बुलाती है, पहले तो अपने घर बुलाती है। नाथ यद्यपि प्रभावती सखी का स्वभाव बड़ा तेज था, बड़ा कठोर स्वभाव था, पूरे ब्रज में उसकी एकदम दुंदुभी घूमती थी, लेकिन उसके हाथ का माखन बहुत अच्छा मीठा बनता था। प्रभु वो प्रभावती ठाकुर जी को बुलाती है अपने घर माखन खाने के लिए, और दीनता के साथ, हो हे प्रभु जैसी आपकी मैया आपको माखन खिलाती वैसा तो मैं नहीं खिला सकती, लेकिन मैंने भी अपने घर में तैयारी करी, आप आइए। विठला विठला कदिये शील माजा घरा, विठला विठला कदिये शील माजा घरा, विठला विठला कदिये शील माजा घरा, विठला विठला पार करी कदिये शील माजा घरा। माजा घरिया है पांडे कुंडे, 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 पूजा घरिया भगवे झंडे आ, तुझा घरिया भगवे झंडे, विठला विठला कदिये शील माजा घरा, ओ हो हो विठला विठला कदिये।
तुझा घरिया गरुड़ घरा ओ
लेकिन ग्वाल वालों में प्रभावती सखी का बड़ा भय था। जैसे ही प्रभावती के घर पहुंचे और मालूम पड़ा कि प्रभावती घर में ही है, तो ग्वाल वालों की तो हिम्मत टूट गई। बोले, लाला हम तो अब तेरे संग नहीं चलेंगे। क्यों? बोले, भीतर गए कि प्रभावती ऐसी पिटाई करेगी लाला, तुम्हें मालूम ना है हम ब्रज में बहुत बरसन थे रह रहे, हमको पता है वहां को हाथ कैसो। ठाकुर जी ने कही आज नहीं चलोगे? बोले वैसे भी आज हम करवे वारे नहीं तेरे साथ चोरी। क्यों? बोले आज एकादशी, कम से कम आज जैसे दिन तो चोरी ना करें, कल चलेंगे द्वादशी को पारणो तेरे साथ करेंगे, पर आज तो चोरी ना करेंगे। ग्वाल वाल सब पीछे हट गए। ठाकुर जी बोले अच्छो है, माँ प्रभावती सखी के हाथ को माखन मैं भी अकेलो खाऊंगा। अच्छी ठाकुर जी पधारे। पधार कर ठाकुर जी ने आज तो छींका भी नीचे लटक रहा उतारा। उतार कर ठाकुर जी अरोगने लगे वहां माखन। नाथ श्री ठाकुर जी माखन अरोगते बड़े प्रेम से, आहा बड़ा स्वादिष्ट मक्खन है। ठाकुर जी कहे भाई प्रभावती चा स्वभाव अत्यंत रुक्ष आए। चुकाओ, प्रभावती चा स्वभाव रुक्ष आए, पण प्रभावती ना हातावरून काढेला माखण अत्यंत चांगला आहे। प्रभु श्री ठाकुर जी की गड़बड़ होगी मुझे पता है। प्रभु श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आहा प्रभावती का स्वभाव तो ऐसा, लेकिन इसके हाथ के माखन में जबरदस्त मिठास है। आहा देखो माखन मुख में जाते ही गप्पसों गले उतर रहे हो। आहा इतने में प्रभावती आ गई, बोले अब तू मोए गले उतार। और आए के प्रभावती ने बाल कृष्ण लाल को ठाकुर जी को, ऐ चोर कहीं के चोरी करने आया? ओ ठाकुर जी बोले ये कहां थे अवतार ले लियो, नरसिंह की तरह आए गई। हाँ। अब ठाकुर जी ने कही अब यहां के आगे जोर दिखाए हुए में सार ना है, क्योंकि संघ को और है ना, और अपने अकेले ही सरकार हैं, अपनी बचाव करने पड़ेगी। ठाकुर जी देखने लगे, अरे प्रभावती काकी, अरे काकी नहीं कहने का, प्रभावती को काकी कहता बड़ी रीस आती है उसकी। क्यों रे मेरे यहां चोरी करने आयो? अरे ठाकुर जी बोले, अरे सखी चोरी करूं मैं क्या चोरी करूं, माखन की चोरी? अरे मेरे घर में माखन के तो भंडार भरे, मैं क्यों चोरी करूं? तो फिर यहां क्या करने आया था? अरे सखी मैं तो क्या बताऊं, मेरी मैया मोए ऐसे बड़े बड़े मणियों के कंगन पहना देवे, और मैं गैया चराइवे को जाऊं तो सूर्य के ताप से वो मणि गर्म वे जाए, तो मैंने कही अब उन मणियों को ठंडो कैसे करूं, तो मैंने आकर तेरे गोरस में हाथ डाल दिए ताकि ये
हाथ ठंडे हो जाएं, ये मणि ठंडे हो जाएं। प्रभावती बोली, इन मणियों को ठंडो करो कि अपने पेट को ठंडो करो। चोर, मैं सब जानती हूं तू बातें बनाए हुए बड़ो चतुरे, पर आज मैं तेरी बातन में आए हुए वारी नहीं है। आज तेरो काम छोटी मोटी गोपी ते नाय पड़ियो है, मेरो नाम प्रभावती है, प्रभावती मैंने अच्छे अच्छों को ठीक कर दियो। भाई अब ठाकुर जी के ये तो एकदम जोश में है, ये कहना मानने वाली नहीं। फिर भी ठाकुर जी ने विनती करी सकी, आज मोए माफ कर दे सकी, आज ही भूल वही है ना तो कभी ना हो, अब कभी तेरे यहां नहीं आऊंगा सखी। सखी तेरे भैया की कसम खा के कहूं कभी ना, सखी तेरे बाबा की कसम, सखी तेरे ससुर की कसम, तेरी सासू की कसम, तेरी ननंद की कसम, तेरे खसम की कसम। बस गोपी बोली, सब मेरे रिश्तेदारन को मारे को, एक दो तो अपने घरवालन को नाम ले। ठाकुर जी बोले, अब किन को नाम लो, मेरे घरवाले में बूढ़ी तो मैया, बूढ़ो बाबा, वहां को कहा नाम, वो तो वैसे ही क्या कहूं। गोपी गोपी मैं जान दे प्रभावती सखी, तेरे पामन ने पढ़ू सखी तो प्रणाम करू सखी। सखी बोली, आज नहीं, आज तो मैं तुझे ले जाऊंगी रंगे हाथों पकड़ के, तेरी मैया तुझे मानती नहीं कि तेरा मेरा छोरा चोरी करे, आज रंगे हाथों ले जाऊंगी, जब तेरी मां को पता चलेगा, चल मेरे साथ। और पकड़ लिया कठोरता से हाथ प्रभावती ने, और पकड़ के खींच के ले चली, और ले जा करके पूरे गांव में चिल्लाते हुए जाए, ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, सब कहते थे यशोदा को छोरो बड़ो सुधा है, कछु करे ना वहां को, तो कोई वो बड़ो सीधा है कुछ ना करे, आज मैंने वहां को रंगे हाथों पकड़ लिया, आज यहाँ की मैया तीन को पिटवाऊंगी। अब सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल जो ठाकुर जी की मंडली में है वो सब पीछे पीछे चलते हैं। ठाकुर जी कहते, इधर आओ इधर आओ। वो कहे, नहीं हम तेरे कल्याण के लिए यहीं से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ संकट कटे मिटे जब भी रहा। ठाकुर जी बोले, रे वहां क्या चालीसा पाठ करो, इधर आओ ना। प्रभु श्री ठाकुर जी उनको इशारा करते हैं पर वो आते नहीं, वो तो डरे, भाई हम तो बड़ी मुश्किल से आज एकादशी के दिन सद्बुद्धि दी, भगवान ने असली फल मिला आज एकादशी करने का, जो बच गए ऐसे संकट से, हम नहीं, तू जा। हम पहले ही मनाई करे पर के नहीं जाऊंगा, खाऊंगा, ले अब खा, माखन भी तेने खाया, अब डंडा भी तू ही खा, हम तो जा रहे। ग्वाल बाल सब पीछे पीछे चल रहे। आओ प्रभावती पूरे गांव में, ए मैंने पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। अब ठाकुर जी के अपने तो वैसे ही बदनाम है, गांव में और चर्चा हो जाएगी, अब कहा करें। चलते चलते अचानक हताई आई। हताई जानो आप, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे रहे आपस में बातचीत करें, वहां जैसे ही हताई आई तो प्रभावती को विचार आयो, भाई मेरे ससुर आदि सब यहाँ बैठे हैं तो नेक संकोच करनो चाहिए, नहीं तो कहेंगे देखो हमारे घर की बड़ी बहू और ऐसे निर्लज्ज की तरह से रुड़ा, पकड़ लियो पकड़ लियो पकड़ लियो। इसलिए श्री प्रभावती सखी ने अपनो माथो ढक लियो, घूंघट खींच लियो। अब महाराज वहां समय घूंघट ऐसा तो हो नहीं कि सिर पे थोड़ो करे जो बार बार नीचे खसके, पूरा घूंघट जो हो तो वो ठेठ यहां तक आता महाराज यहां तक, और फिर ऐसे तो सखी ने इतनो घूंघट काट रखियो। अब ठाकुर जी कहे कि वाह ये अपने लिए मौको है, ये चूके तो फिर 84। और श्री ठाकुर जी ने वहां ग्वाल मंडली में वहां प्रभावती का पति भी थो, वहां पति को इशारों क्यों इधर आ इधर। पति तो बेचारा कहने, नहीं मैं तो नहीं आऊं भाई, मैं तो ठीक, बोले नहीं इधर आ इधर। वो आने को तैयार नहीं तो ठाकुर जी ने उसको लोभ दिया, लड्डू दूंगा लड्डू, आजा आजा लड्डू दूंगा। अब जब लड्डू का लोभ दिया तो महाराज उसने कहा कि अब लड्डू खाने को मिलता है तो फिर डंडा भी चला लेंगे, वो आ गया। अब ठाकुर जी ने कहा, सखी ए सखी कब से खेचे जा रही है सखी, मेरे हाथ में बड़ो दर्द वह रहे हो सखी, सखी एक काम कर, ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ ले। महाराज सखी को भी लगा कि लाला का हाथ तो कोमल है, कष्ट हो रहा होगा, ला दे दे क्या ले, हाथ पकड़ा दे। अब सखी बोले कि पहले हाथ कोमल था अब कठोर कैसे हो गया, पर सोचा कि कोई हाथ का कड़ा हाथ में आ गया होगा। अब तो महाराज ठाकुर जी तो भगे लघुतम मार्ग से,
और हाफते से आए, मैया आप तेरे ब्रज में मोइना रहनो है। क्यों रे मैया, तेरे ब्रज की सब गोपियां मेरे पीछे लगी है, मैं करूं कछु ना और तो ही मोह पे चोर चोर के बदनाम करें। अरे लाला तू चिंता न कर, कौन में इतनी मजाल तो मेरे लाला को कछु कह सके, कौन में कहा मैया, आज तो प्रभावती सखी पूरे गांव में घूम घूम के ऐसे कह रही, आन दे मेरे ढिग आवेगी तब मैं वहां को सबक सिखाऊंगी, आने दे लाला तू चिंता न कर, तेरी मैया ने मैं सब कर लूंगी। हाँ मैया तू कितनी अच्छी है, मैया मैया तू कितनी अच्छी मैया, मोए तो तेरे हाथ को माखन अच्छो लगे, बाकी और काऊ को ना लगे, इन गोपियों को कहाँ माखन निकालना आ रहे। मैया गैया चरा के आयो हूँ, ने थक गयो हूँ, बड़ो थकावट सी लग रही मैया, मैया मैं सो जाऊं फिर उठूंगो तेरे हाथ को माखन खाऊंगो। मैया मैं सो जाऊं, हाँ बेटा हाँ बेटा सो जा तू, सो जा। हाँ मैया मैया तू कितनी अच्छी है मैया, मैं एक बार गोदी में ले ना, मैया एक बार गोदी में ले। अरे दारी के इतना बड़ो बह गया अब कहा गोदी में, ना मैया एक बार ले ना, एक बार अच्छा। हाँ मैया मैया तू कितनी अच्छी है, हाँ मैया तेरे हाथ को माखन बड़ो प्यार, मैया तू बड़ी अच्छी है। मैया एक बार बोल ना, क्या बोलू मैया, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला, तू मेरी मैया मैं ते मैया, बोलना। अरे दारी को ये का खेल खिला रहे हो, मैं काम पड़ा ना, मैं एक बार बोलना, मैं एक बार अच्छा, तू मेरी मैया तू बोल, मैं तेरो बोलना मैया, तू मेरी मैया मैं तेरो लाला, तू मेरी मैया मैं तेरो लाला, तू मेरी मैया मैं तेरो लाला। मैया तो कितनी अच्छी, मैया मैं सो जाऊं, हाँ बेटा मैया एक बार हो, तू मेरी मैया मैं तेरो लाला, तू मेरी मैया भैया भैया भैया। अब मैं जाऊं, ठाकुर जी ऐसे अपनी ऐसी मधुरी लीला की भुरकी डार गए मैया के आगे कि वहां के तो अपने लालो ही सयानो लगे, बाकी सब फालतू लगे, और जाए करके भीतर जाए के बैठ गए। हम नींद कहां आवे, चोरी करके सो रहे, इनको कहां नींद आवे। इतने में प्रभावती आई चिल्ला दे, ए भैया, अरे मैया बोली रे कहा कर रही है, घर तोड़ेगी का इतनी चिल्ला रही है, कहां वे गयो, कोई भूत पीछे पड़ गयो। बोले भूत ना तेरो पूत पीछे पड़ गयो, कहां वे गयो, क्यों चिल्ला रही है। मैया हम हरदम तो ते कहा करती, तेरो लाला चोर है, हमारे घर चोरी करे, पर तेने कभी मान्यो ही ना, आज तो मानना पड़ेगो, हम तेरे चोर बेटा को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया बोली मेरो चोरा तो है, मैया बोली सखी तेरो स्वास्थ्य तो ठीक है, मेरो सब स्वास्थ्य, मेरी बात ना कर मैया, तू तेरे चोर बेटा को संभाल। मैया बोली कि मेरो, मैया समझ गई कि इसकी कोई भूल नहीं है, ये सब घूंघट का चक्कर है, घूंघट के कारण ऐसी गलती हुई है। मैया बोली सखी अपनो घूंघट ऊपर कर और पीछे मुड़ के देख, माजा लाला है कि तुमचा घरवाला है। और जैसे ही देखा, और जैसे ही देखा तो महाराज वो तो भाई साहब खड़े, पति देवता कन्हैया कहाँ है। अब तो भाई साहब रे, तो भाई ऊपर हूं नीचे तई पसीनो पसीनो बिना गर्मी, क्या कन्हैया कहाँ है। कन्हैया तो भाग गया, कन्हैया भाग गया, पीछे पीछे क्यों आए। वो कन्हैया ने कहा कि लड्डू दूंगा लड्डू, कन्हैया ने कहा लड्डू दूंगा लड्डू, इसलिए उसको भगा दिया और खुद आ गया। थोड़ा शर्म नहीं है, कैसे हाथ पकड़ लिया, कैसे क्या लड्डू क्या, अब घर आओ तुम सीधे, तुम्हें लड्डू दो, सीधे घर आओ तुम लड्डू दो तुम। इतने में ठाकुर जी आंख मलते, मैया कौन है, मैया कौन है, कौन चिल्ला, में नींद उड़ गई, कौन है। अरे ये प्रभावती, ओ काकी आई है क्या, काकी राम राम, ए काकी के इधर आ, क्या करके गया तू, किसका हाथ पकड़ा के गए, ठहर जा तू। अब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे पर ठहर जा लाला, आज नहीं छोड़ूंगी, ठहर जा तू ठहर जा। और ठाकुर जी ले पकड़ 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 पकड़। ठाकुर जी बोले सखी मुझे पकड़ेगी, आज मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे पति का हाथ पकड़ाया है, अगली बार कोशिश करी तो तेरे ससुर का हाथ पकड़ाऊंगा, मेरा नाम भी कन्हैया है कन्हैया। ऐसी माखन चोरी की लीला करते प्रभु, और वास्तविकता तो यह है कि माखन चोरी नहीं है, मन की चोरी है, भक्तों के मन को चुराने का काम ठाकुर जी करते हैं। नाथ ये प्रभु का काम है,
ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्तों के चिंतन में ऐसे फिट हो जाते ठाकुर जी कि भक्त भूल ही नहीं सकता। एक बार जिसने माखन चोरी सुन ली वो कभी कन्हैया को भूल नहीं सकता, उसका प्रेम हो गया, उसका प्यार हो गया ऐसे प्यारे नटखट लाला से। मारा कोई माँ होती ना वो अपने बच्चे की नटखट लीलाएं हर हर किसी को सुनाती, मेरा छोरा तो यूं करता है, मेरा छोरा तो यूं कर दे, मेरा छोरा तो यूं कर दे, मेरा किस लिए, ताकि जो सुने उसकी उसके बेटे में प्रीति हो जाए। इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज ने भी खूब लीलाएं सुनाई, गर्गाचार्य जी ने खूब लीलाएं सुनाई, गर्ग सहिता में खूब लीलाएं नाथ प्रेम हो जाए इसीलिए ना गोचारण लीला होती है। ठाकुर जी वन में गैया चराते हैं, एक दिन ब्रज में बड़े सुंदर उत्सव की तैयारी, सुंदर पकवान व्यंजन इत्यादि सब बनाए जा रहे, और श्री ठाकुर जी पूछते हैं माँ यशोदा को, मैया आज ये सुंदर पकवान व्यंजन किस उपलक्ष में बन रहे हैं? बोले ये सब इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा क्यों? बोले क्योंकि इंद्र वर्षा करता है इसलिए। अरे नहीं, वर्षा इंद्र के अधीन नहीं है, इंद्र तो प्रभु के दरबार में सेवा करने वाला है, प्रभु का जैसा आदेश होता वैसा करते। और हे बाबा, अपनी गैया गिरिराज जी पे चरती, अपने को फल फूल गिरिराज जी से मिलते, अपना सब मनोरथ गिरिराज जी पूरा करते, अपनी रक्षा गिरिराज जी करते, तो फिर पूजा इंद्र की क्यों, पूजा भी गिरिराज जी की होनी चाहिए। नंद बाबा बोले लाला हम तो समझे ना गिरिराज जी की पूजा कैसे हो। बोले कछु और ना करनो है, बस सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, व्यंजन बनाओ, और व्यंजन पकवान बनाकर श्री गिरिराज जी को भोग लगाओ, गिरिराज महाराज परोगेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। नाथ बस नंद बाबा और ब्रजवासियों के हृदय में एक ही भाव था कि जो जो कृष्ण कहे वो करना, कान कहे सो कीजे, मेरो कान कहे सो कीजे नाथ। इस प्रकार श्री ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों को गिरिराज पूजा करने के लिए तैयार कर लेते हैं। गोपियां सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन इत्यादि बनाती हैं, सुंदर सुंदर पात्रों में सजाती है, और सुंदर पात्रों में सजा करके और गिरिराज पूजा करने के लिए चलती। ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से श्री गिरिराज जी के स्वरूप को प्रकट किया है, और नाथ अपने ही स्वरूप से गिरिराज जी को प्रकट किया, शैलोश में ये मैं ही तो हूं। और जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन किया और गिरिराज जी में सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी की ही छटा नजर आने लगी। ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, अद्भुत है इनकी छटा, और ठाकुर जैसे लगते हैं इसलिए ज्यादा प्यार आता है, ठाकुर जैसे लगते हैं इसलिए ज्यादा प्रेम आता है महाराज। और सब गोपियां दौड़ दौड़ के आई, और ठाकुर जी ने कहा था कि ये मेरे इष्ट हैं। अब गोपियों ने तो उनको बड़ेरा मान लिया, पूर्वज गिन लिया, बड़ा गिन लिया कि ये तो हमारे बड़े हैं, और घूंघट निकाले निकाले आती हैं और लो महाराज खीर लाई हूं आपके काजे अरोगो। गिरिराज महाराज उस गोपी का घूंघट ऊंचा करते पूछते तू कौन गोप की है? बोले मैं गोविंदा गोप की हूं। अच्छो ठीक है जा। गोपी बोले देखो इतने बड़े रे वेके और हम गोपियन के घूंघट ऊंचो करें पूछे कौन गोप क्यों है, एक जैसे ही दोनों इष्ट और एक जैसे ही गुरु चेला एक जैसे ही है। अब तो और विश्वास हो गया कि हाँ ये कन्हैया के ही भगवान है, और अब तो आगे लाने लगे। लेकिन महाराज ठाकुर जी तो भोग को अरोकते हैं गिरिराज जी, और वो भोग के तो वैसा का वैसा कम ही नहीं पड़ता है। तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया खा नहीं, ये गिरिराज जी खाते नहीं है क्या? बोले खाते तो हैं, लेकिन इनके हाथ में वो प्रभाव है कि जिस वस्तु का स्पर्श करते हैं वो खत्म नहीं होती, तो लाला इनको क्या छुए नहीं, बिना छुए खाए। गिरिराज जी से प्रार्थना करी तो गिरिराज महाराज तब जैसे खीर लाइए ये खीर गई, पकोड़े आए गड़गड़ 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 अरे पकोड़े गए, जलेबी आई सर 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 जलेबी, जो चीज आवे आ गप, माखन का तो लूंदा का लूंदा गप गप, ऐसे सब ठाकुर जी अरोगने लगे। भक्तों को आनंद देने के लिए लीला है महाराज, प्रभु को अपना ऐश्वर्य वैभव नहीं दिखाना है, अपना कोई आचार प्रकट नहीं करना, भक्तों के लिए आनंद प्रकट करना है सब भूल करके, और विराजे हैं महाराज, भक्त लोग पूजन कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। जितना गिरिराज महाराज ने अरोगा उससे कई गुना अधिक प्रसाद सब ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ।
श्री नारद जी ने भी प्रसाद लिया और जाकर उसके स्वाद का वर्णन इंद्र के सन्मुख किया। इंद्र को जब लगा कि मेरा पूजन बंद होकर गिरिराज जी की पूजा हुई है, तो इंद्र ने कोप किया, मेघों को आदेश दिया, मेघ खूब वर्षा करते हैं और ऐसी मूसलाधार वर्षा करी, ऐसी मूसलाधार वर्षा करी, वो मेघ अपना पूरा जोर लगाते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आके विनंती करते, प्रभु आप कृपा करें और कृपा करके हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें। कैसे होगी? ठाकुर जी ने कहा, चिंता न करो, जिन गिरिराज महाराज ने भोग अरोगा है वही गिरिराज महाराज रक्षा भी करेंगे। और सब ब्रजवासियों को लेकर, गैया को लेकर ठाकुर जी गिरिराज जी के समीप आते। ठाकुर जी को विशेष अपनी गैया की चिंता थी। ठाकुर जी कहते, ये ग्वाल बाल तो गुफाओं में जाकर अपनी प्राण रक्षा कर लेंगे, लेकिन मेरी गैया किधर जाएगी? इसलिए नाथ श्री ठाकुर जी गिरिराज जी के समीप आते हैं, गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जैसे ही गिरिराज जी को प्रणाम किया, श्री गिरिराज जी देखते ही देखते ऊपर उठ गए और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी अंगुली पर धारण करके और सब ब्रजवासियों को, गैया को उस पर्वत के नीचे ले लिया और सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल गैया प्रसन्न हो गए कि चलो इसी बहाने ठाकुर के सानिध्य में रहने को तो मिलेगा। किसी ने भोजन इत्यादि की परवाह नहीं करी, ठाकुर की छत्र छाया में जाना है तो भोजन की चिंता क्यों करें, वस्त्रों की चिंता क्यों करें, कोई चिंता नहीं करी, कोई चिंता नहीं करी। जब ठाकुर के सानिध्य में जाना है, हम लोग कितनी चिंता करते हैं, हमें भोजन कब मिलेगा, हमें रहने को कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करें। प्रभु के सानिध्य में जा रहे हो तो अपनी चिंता न करो। क्यों? वहां पर पेट रोटियों से नहीं भरना, उनके दर्शनों से भरना। वहां पर पेट रोटियों से नहीं भरना, रोटियां खा खा करके तो हाल बिगाड़ा है अपना, अब दर्शनों से पेट भरना है, भजन से पेट भरना, हरि कीर्तन से पेट भरना। तो नाथ श्री ठाकुर जी उन सब रूप सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे ठाकुर जी के दर्शनों का सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। बाद में इंद्र थक गया वर्षा करते करते, मेघों ने कहा, महाराज त्रिलोकी का जो नाथ है, जिसकी भ्रुकुटी पे सारी सृष्टि संचालित होती, आप उसके साथ में क्या ये कर रहे हैं, आपको आप बड़ी भारी भूल में हैं। इंद्र प्रभु से क्षमा याचना करने को आता है। ठाकुर जी कहते, भाई अभी नहीं, अभी तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, अभी तुझसे बात भी नहीं करूंगा, कल तू आना, कल तुझसे बात करेंगे नाथ, क्योंकि अभी कथा विराम का समय हो गया है। इसलिए आइए, हमारे मुकुंद काका हमको दो शब्द आशीर्वाद के रूप में कहेंगे। पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशवाळंदी वल्लभम। आदरणीय श्री मद्भागवत व्यासपीठ व्यासपीठाधीश विराजमान परम पूज्य हरिभक्ति परायण राजस्थान आणि भारत विभूषण श्री पूज्य राधाकृष्णजी महाराज, पूज्य श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री दिनकर महाराज आणि आपण सर्व भाग्यवान श्रोतृगण, आताच आपण श्री महाराजांच्या कमलमुखातून अत्यंत रसाळ अशी भगवतकथा की जिच्या श्रवणानं पांडुरंगही आपल्या विटेवर उभा राहून नाचण्याचा पवित्रा घेत असेल, भगवान श्री विठ्ठलाचा पवित्रास तो अशा प्रकारचा आहे। नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग, जरी म्हणे ज्ञानदेवा बोला अभंग, हा या पंढरपूरचा महाराष्ट्राचा इतिहास राहिलेला आहे। आणि आज
महाराष्ट्र आणि राजस्थान हे दोघेही एकमेकांच्या हातात हात घालून आनंदानं भक्तिरसामध्ये नाचत आहेत असा साक्षात्कार मला होतो आहे. याच दृष्टीनं या भक्तिरसाचा आनंद उत्तरोत्तर वृद्धिंगत व्हावा आणि या कलियुगातही या शीतल भक्तिरसाच्या शीतल आणि गोड छायेत संपूर्ण विश्वाला चिरंतन विश्रांती मिळत राहो ही सद्भावना पांडुरंगाच्या चरणी करून मी माझे दोन शब्द संपवितो. धन्यवाद. हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. जय जय श्री राय जय जय श्री राय जय जय श्री Radha Krishna Govinda Govinda.
Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda